है इस मंडल का सबसे टॉप का टूर्नामेंट ये मथुरानी कप का जो शानदार मुकाबला कराया जाता है। अगली गेंद पंकज की रोड वाले छोर से, और हम बता दें हमारे बीच कप्तानगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख बड़े भैया श्री विशाल सिंह जी का आगमन हो चुका है, और रामकोला के हमारे शेषमणि गौड़ जी का आगमन हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया विशाल सिंह और श्री शेषमणि गौड़ जी को। और मैं बता दू जो विदेशों में आज भाई जो गए हैं विदेश इस क्षेत्र के युवा, वो आज ड्यूटी छोड़ दिया है मैच देखने के लिए। रोड वाले छोर से सामने है रवि, अगली गेंद, और इस बार नीचे रहते हुए गेंद रवि को परेशान करते हुए पंकज की गेंद। बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहा है पंकज, माइंडेड गेंदबाजी इस समय पंकज के द्वारा रोड वाले छोर से। तब तक बेहतरीन गेंदबाजी, पंकज की अगली गेंद सामने है रवि, इस बार भी नीचे रहती हुई गेंद रवि को परेशान करते हुए। तो इस समय समाप्ति, तो इस तरह से बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में पंकज के द्वारा, शानदार गेंदबाजी। दो ओवर के समाप्ति के बाद 16 रन मात्र इस ओवर में, एक रन पंकज के द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी पंकज। टीम का तीसरा ओवर लेकर आज का फाइनल मुकाबला बिशुनपुरा और सिकटा के बीच खेला जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी किसान इंटरमीडिएट कॉलेज से संतुष्ट करना पड़ेगा, और इस तरह बिशुनपुरा का बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। आज का फाइनल मैच बिशुनपुरा और सिकटा के बीच खेला जा रहा है, और प्रतीक जी के बारे में क्या कहना, 17 रन बिना किसी नुकसान के। बार बार उठाकर मारना चाहते हैं, गेंद बल्ले पे नहीं आई, और एक रन लेग बाई का इशारा एम्पायर महोदय से, और इस एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर बिशुनपुरा का। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, तीसरा ओवर प्रगति पे, रन रुका हुआ है एकदम, सभी दर्शक खामोश बैठे हैं। ये खेल के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन खेल में कोई मजा नहीं। जितेंद्र की अगली गेंद, बार बार मारना चाहते हैं, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है, और एक रन एम्पायर का इशारा ले पाई, और इस एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर बिशुनपुरा का 19 रन। बहुत ही अच्छा मैच यहां पे सिकटा और बिशुनपुरा के बीच खेला जा रहा है। शुरू के लगातार 3 गेंदों पे 3 बाउंड्री आई, और उसके बाद खामोश बिशुनपुरा के बल्लेबाज। भाई नेटवर्क नहीं, क्या किया जाए भाई, सब टीम लगा के चेक कर चुके, कोई नहीं चाहते थे कि सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, इसी में नहीं आ रहा है रवि यादव का बेहतरीन छक्का की समाप्ति, और इस छक्के पे सोनू यादव जी पहले पैसा भिजवाइए, और रवि यादव जी को मिलता है 101 रुपया सोनू यादव के तरफ से, और इस छक्के की मदद से बिशुनपुरा का बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। 25 रन बन चुका है भाई बिना किसी नुकसान के। हेलीकॉप्टर शॉट था, और हमारे दीर्घराज भैया कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर शॉट था। तो रवि यादव को इस संख्या पे मिलता है सोनू यादव की तरफ से 101 रुपया, और 1200 लोग इस मैच को लाइव देख रहे हैं।
तो बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। 10-20 हजार दर्शकों से खचाखच भरा हुआ किसान इंटरमीडिएट का पंकज रोड वाले छोर से पंकज सामने उनके गेल बेहतरीन बल्लेबाज गेल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे पंकज, मात्र एक रन दिए थे अपने कोटे का दूसरा ओवर और पहला ओवर लेकर आए थे। अब चौथा ओवर प्रगति पे पंकज, सामने है गेल, अभी गेल के बल्ले से खाता तक नहीं खुला है अगली गेंद गेल के लिए। बहुत ही अच्छी बैटिंग, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा और इस तरह बिशनपुरा का बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन बिना किसी नुकसान के। आज का फाइनल मैच बिशनपुरा और सिकटा के बीच खेला जा रहा है। पंकज और सामने है रवि, 3 चौके और 1 छक्के लगाकर खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए और यहां पे उठाकर मारना चाहते थे, गेंद पहुंची विकेट कीपर के ग्लव्स में, कोई रन नहीं, अभी भी बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। तो इस मैच को सफल बनाने के लिए भाजपा मथौली मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री अदालत प्रसाद जी के तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार, तो बहुत बहुत धन्यवाद अदालत भैया को। और हमारे डॉक्टर साहब वीरेंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता जी और डॉक्टर विनय मल जी के तरफ से इस मैच को सफल बनाने के लिए 1500 रुपए का नगद पुरस्कार, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों लोगों को मथौली कमेटी की काम देती। संदीप सिंह और अंदर गए आप, और लोग अपने छोटे बच्चे को अंदर कीजिए। श्याम बुक डिपो, लगा पहला झटका गेल के रूप में, बहुत ही बड़ी मछली फंस गई जाल में, तो पहला झटका हेलो बिशनपुरा का। श्याम बुक डिपो के प्रोप्राइटर कौशल बगाड़िया जी हमारे मुख्य अतिथि श्री विशाल भैया जी को सम्मानित करेंगे। तो श्याम बुक डिपो के प्रोप्राइटर कौशल बगाड़िया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बल्लेबाजी के लिए पूरन, जो पूरन बेहद ही बेहतरीन बल्लेबाजी किए थे पहले मैच में, छक्का मार रहे थे, हेलीकॉप्टर देख ही नहीं रहते भैया। आज बगाड़िया जी की तरफ से क्या भर चुकी है, तो क्या किया जाए, खुद हमें वो को जगह नहीं मिल रहा है, तो कमेटी की सदस्य व्यवस्था पे ध्यान दे भैया, दौड़ के जाइए। तो बेहतरीन इन पारी की पैर के द्वारा ताली बजाते रहे आप लोग, गुब्बारा वाले भैया से संपर्क कर लें। तो मैं गेंदों का सामना करेंगे रवि यादव, अभी भी टीम बिशनपुरा का अगली गेंद, और आप इस तो डेट बॉल क्योंकि पिच से बाहर गेंद गिरती है, तो डेट बॉल दिया जाएगा बेहतरीन इन पैर की पैर के मार दिया गेंद को, बहुत ही सीमा लगा एक बार शरद राजन सिंह, एक कुर्सी नीचे से एक दो कुर्सी और। हेलो दर्शक क्यों देखे, ओ मिंटू भैया देखेंगे कि वो लोग बैठेंगे, दर्शक जो बैठे हैं उनको हटा के कुर्सी लगे के ऊपर। हेलो और रवि यादव के खाते में 101 रुपया और जुड़ता हुआ। इस बार इंपायर का डिसीजन वाइट, इंपायर गेंद ले लेके गेंद आ गई है, संभवतः स्कूल साइड से गेंद आ गई है, इतने दर्शक आज स्कूल साइड से मैच देख रहे हैं, तो आप लोग गेंद देते रहिएगा। हेलो दर्शक गेंद दे दे अगली गेंद, और ये फर्स्ट बाउंस गेंद, तो बेहतरीन इस समय मैच चलता हुआ। हेलो जो स्कूल में गेंद गई है दर्शक गेंद देते हैं, जो भी स्कूल साइड में छत पे जो दर्शक है, जो दर्शक
छत साइड पे है, स्कूल में गेंद गई है, बता दे गेंद, जो लड़का गेंद लेके आएगा उससे मिलेगा डबल बीडी टीडी का रस। आज पांच गत्ता आया है और एक और बेहतरीन छक्का, तो 100 रुपए और, तो सोनू यादव 300 रुपया हो चुका है, तो आप पैसा तैयार रखिए। और जो गेंद स्कूल साइड में जा रहा है दर्शक गेंद दे, बेहतरीन आतिशबाजी। हेलो दर्शक गेंद दे, जो दर्शक गेंद फेंकेगा पिच के अंदर उसको मिलेगा मिनी टीवी का रस। हेलो किसान अच्छी गेंद, जगह नहीं मिल रहा है आज, बहुत ही भीड़ और जगह के रास्ते भी दर्शक मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या करें। और पुनः आप प्रतीक रोड वाले छोर से पहली गेंद, बिशनपुरा दोनों टीमें अच्छी है, अब तो बिशनपुरा टीम के कप्तान अखिलेश बोल रहा, बिशनपुरा के ग्राम प्रधान भी हैं, तो काफी हेलो कमेटी के सदस्य आप लोग बाउंड्री के अंदर बैठे, अगर बिशनपुरा का कोई बल्लेबाज हैट्रिक सिक्स मारता है तो 501 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मीपुर के भाई जाफर अमर जी की तरफ से, और हैट्रिक छक्का मारने पे जियो सिम केयर की तरफ से 6 महीने का जियो का सिम, नेट कॉलिंग दोनों फ्री रहेगा। तो आज मैं बता दूं शुभम भैया जगह नहीं है, सारा जगह भर चुका है, तो क्या किया जाए, दर्शकों को किसी तरह से एडजस्ट कराया जा रहा है। और प्रतीक एक बार फिर सामने है पूरन रोड वाले छोर से अगली गेंद, और इस बार संभवतः पूरन को जीवन दान मिला है, कैच हो सकता था लेकिन पीछे फील्डर मोहित जो मिसफील्ड किए, इसके कारण एक रन और बिशनपुरा टीम के खाते में जुड़ता हुआ, तो अब संभवतः पूरन एक बार पुनः सामने है रवि यादव, मथौली कप को सफल बनाने के लिए यहां के व्यापारी, तगड़ा शॉट, ये कैच बन सकता है, शॉट भी बहुत ही बेहतरीन। तो इस तरह हम बता दें मथौली बाजार के व्यापारी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान होता है, आशुतोष मधेसिया, मधेसिया जी इलेक्ट्रॉनिक के प्रोप्राइटर, उनके तरफ से कूलर का पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद। और एम्पायर का इशारा, नॉट आउट, बेहतरीन इंपायरिंग, बेहतरीन इंपायरिंग, क्योंकि इंपायर पे दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन इंपायर अनुभवी, जो मैं बता दूं जो इंपायर अभी है वो देवरिया से चलकर आए हैं और वो बहुत ही दूर दूर इंपायरिंग कराने के लिए जाते हैं, आप लोग लाइव जफर भाई के लाइव पे देखते होंगे, इस इंपायर का क्वालिटी बहुत ही कुछ, और काफी उम्र भी इनका है तो अनुभव काफी ज्यादा मैच की दुनिया में। प्रतीक रोड वाले छोर से अगली गेंद, नीचे रहते हुए गेंद, रन आउट का चांस, और जब तक की गेंद आज पजरंगी के हाथों गेंद नहीं फील्ड हो रही है, संभवतः रवि यादव को आसान सा जीवन दान दिए बजरंगी, और इस समय रवि यादव का बल्ला बेहतरीन बोल रहा है, तो टीम बिशनपुरा का 50 पूरा हो चुका है, तो टीम बिशनपुरा का 50 होता हुआ अब एक बार प्रतीक रोड वाले छोर से अगली गेंद, और पूरन के बल्ले से आता हुआ नीचे फील्डर स्वयं मौजूद, जब तक की गेंद को फील्ड करे, और इस तरह से जफर एंजल पे कितने लोग लाइव देख रहे हैं इस समय, ये मैच चल रहा है, 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 51 रन। यूट्यूब और फेसबुक पे आप लोग लाइव इस मैच को देख सकते हैं, तो जफर एंजल, तो मैं बता दूं पजरंगी के बारे में, और दर्शक कह रहे हैं पजरंगी जब कैच छोड़ते हैं तो वो टीम मैच हार जाती है, भैया तैयार करके बैलून रखे रही है आप, पुनः पिछले साल जब मथौली के टीम से मौजूद थे बजरंगी, तो बजरंगी ने कैच ड्रॉप किया था और मथौली की टीम मैच हार रही थी, तो सारा रिकॉर्ड इस समय मौजूद,
मैच ही नहीं पाया यार, मैच पे ध्यान दें, मैच थोड़ा चलता रहे। अब आए है डिंडा नहर वाले छोर से, डिंडा पांच ओवर हो गया क्या प्रिंस? छह ओवर हो गया, छह ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 51 रन, एक विकेट के नुकसान पे बिशनपुरा। तो शेष छह ओवरों का और मैच है। अमन जायसवाल, आकाश जी, तो मात्र 36 गेंद आने वाले हैं, देखना होगा कि 36 गेंदों में कितना रन बना पाती है बिशनपुरा और कितने कम रन पर रोक पाती है सिकता की टीम। एक बार पुनः डिंडा नहर वाले छोर से, और पहली गेंद डिंडा की शानदार गेंद। पूरन जो बेहतरीन बल्लेबाज है, पूरन अभी मौजूद है क्रीज पे। और गेंद के नीचे मुलायम, जब तक कि गेंद फील्ड करे एक रन आसानी के साथ। अब सामने बेहतरीन बल्लेबाज रवि यादव होंगे, तो देखना होगा कि सबसे टॉस जीत के सबसे पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन कहां तक अच्छा साबित होता है बिशनपुरा का। इसमें मिंटू सिंह देखते हुए व्यवस्था को, और रवि यादव 34 रनों की निजी स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी रवि यादव का। नहर वाले छोर से डिंडा, रवि यादव के और बेहतरीन जो भी और ये फिर से दोबारा लगातार छक्का जो भी मिनी टिनी। दर्शक गेंद को दीजिए आप, मिनी टिनी लेते जाइए। और हैट्रिक छक्के पे छक्का देगा फ्री जीएसटी। हेलो स्कूल साइड में जितने गेंद गए हैं, गेंद देख लगातार लग चुके हैं भाई। बता दूं रवि यादव को कितना रुपया हो चुका है, 6,5,1100 और 6 महीने का रिचार्ज फ्री। और रवि यादव निजी 56 रन के शॉट का भी खेल रहा है। 6 महीने का जियो सिम फ्री मिलेगा इनको जियो केयर पे। रवि यादव का पल्ला चलता हुआ, और ड्रॉप होता हुआ, एक ओवर की समाप्ति और एक बार और क्या ड्रॉप हुआ रवि यादव का। अंपायर गेंद ले लेंगे, बिट्टू मदेसिया सारी सारी गेंदें आप लेके रखे रहे, और एक क्या गेंद है आपके पास? एक के दौर होगा, दो के थे आपके पास, एक के दौर अगर प्रिंस भैया, एक के दौर। स्कोर है 7 ओवर के समाप्ति के बाद 71 रन और 1 विकेट, शानदार स्कोर बिशनपुरा का। तो अब मात्र 5 ओवर 30 गेंदों में कितना रन बना पाएगी टीम बिशनपुरा इस समय बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हुई। स्कूल साइड में जो गेंद गया है मेरे सरजी लोग या जो भी लोग होंगे, एक गेंद अभी आई नहीं है, तो आपसे निवेदन है जो भी मेरे भाई मैच देख रहे हैं छत से, तो आप गेंद दे दो। गेंद स्कूल में है, जो गेंद देगा उसको मिनट इनिंग का 2 रस्क मिलेगा। दो गेंद है स्कूल में, तो मैं निवेदन करूंगा जो भी लोग मैच देख रहे हैं स्कूल साइड में, जो बच्चे जंगले के रास्ते जो मैच देख रहे हैं, आप लोग गेंद ला दें। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रवि यादव, शानदार। हेलो, जो गेंद गया स्कूल साइड में, आप लोग स्कूल साइड से गेंद देते बहुत ही जरूरी होगा। और मेरे पुनः एक बार सर जी,
अगली गेंद मजा लेना है तो आप दर्शक गेट दे दीजिए। हेलो, बिल्कुल धन्यवाद। अभी स्कूल साइड से गेट नहीं आया है और ये मिंटू सिंह का बल्ला है, दुकान पे मिलता है, आउटलुक पे आप लोग बल्ला ये खरीद सकते हैं। बल्ला में स्टॉक देख ही लिए आप लोग। अगली गेंद प्रतीक के सामने है, पूरन बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी कही जाएगी। हेलो, आप लोग कमेंट्री बॉक्स पे हल्ला मत कीजिए, निवेदन है। जो गेंद गया है स्कूल साइड में, सर्दी आ गई या जो भी बच्चे या जो भी लोग मैच देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि गेंद दे दे तो रवि के खाते में 500 रुपए कैश नगद और एक जियो का सिम जो 6 महीने तक फ्री, 600 रुपए और अभी सोनू यादव की तरफ से भी है। और इस बार पूरन का कैच फिर से विकेट कीपर ने ड्रॉप किया था, लेकिन स्लिप के फील्डर के द्वारा कैच को किया गया और एक और विकेट हमारे बल्लेबाजी के लिए। अखिलेश मौर्य दर्शक लागे स्वागत कर रहा है, अखिलेश मौर्य जी का तालियों के साथ स्वागत। तो पूरन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए जो अखिलेश मौर्य जी हैं बिष्णुपुरा ग्राम सभा के प्रधान भी प्रधान प्रतिनिधि हैं, इनकी पत्नी प्रधान है बिष्णुपुरा की। तो और देखिए आतिशबाजी हुआ इस बार तो पड़ाका भड़का ही नहीं, भूस हो गया। हेलो पड़ाका को आप लोग थोड़ा दूर फेंका कीजिए। तो अभी गेंद आया, एंपायर बताएंगे गेंद आ गया, गेंद नहीं आया है तो कमेटी के सदस्य भी चले जाए गेंद को लाने के लिए। सिवन रुक जाइएगा, आतिशबाजी आप लोग कमेटी के सदस्य नहीं जाएंगे तो जो 10 नाम है 4 नाम कट जाएगा, जो 10 लोग नाम है। शानदार गेंदबाजी प्रतीक के द्वारा। तो स्कोरर महोदय एक बार बताएंगे प्रीम जी ओवर और रन। इस समय स्कोर है बिशनपुरा का 75 रन, 8वां ओवर प्रगति पे, तो कहीं ना कहीं अच्छे स्कोर पे इस समय चल रही है बिशनपुरा। प्रतीक की अगली गेंद सामने अखिलेश और नौ बॉल फिर तो 9 बॉल फ्री सामने होंगे अखिलेश मौर्य बेहतरीन बल्लेबाज। तो ये 9 बॉल होगा और फ्री हिट होगा, तो संभवतः बिट्टू जी आप एक एम्पायर हमारे थोड़े नवीन तो बेहतरीन एम्पायरिंग एम्पायर के द्वारा एम्पायर के लिए ताली बजा दे एक बार आप लोग बेहतरीन एम्पायरिंग। और अभी भी गेंद नहीं आया स्कूल साइड से आज फाइनल में। अगली गेंद प्रतीक की फ्री हिट गेंद, अच्छी गेंद पैरों में गेंद, अच्छी गेंदबाजी करा रहा है प्रतीक, बेहतरीन गेंदबाजी प्रतीक के द्वारा। आज मौर्य जी का खाता खुल गया है, इसके पहले 2 मैच में 0 पे गए थे, उसी का दबाव था तो सिंगल लेके पहले 1 रन अपने स्कोर बोर्ड में इजाफा किए टीम कैप्टन अखिलेश मौर्य। हेलो अगली गेंद प्रतीक की, अच्छी गेंद, एम्पायर का इशारा ओवर। जो बच्चे जो जंगला के रास्ते देख रहे हैं उनसे निवेदन है आप लोग कम से कम स्कूल साइड में जो गेंद गया है कम से कम ला दीजिए, छत पे जो लोग आए वो लोग तो कम से कम गेंद ला दीजिए। जो गेंद लेकर आएंगे उनको मिलेगा मिनी टीनी का 4 पीस, 4 वो मिलेगा 4 पैकेट रस, तो मिनी टीनी का रस पाना है तो 4 पैकेट मिलेगा जो गेंद लेकर आएगा। स्कोर और स्कोर बताएंगे भोला भैया, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो भोला भैया जो किसान स्कूल में रहते हैं वो भोला भैया गेंद आप स्कूल में देख रेख करते हैं भोला भैया हमारे बड़े भैया। तो मैं बता दूं रवि यादव को इनाम मिलने वाला, इनाम 500 रुपया ऊपर जो मंच पे
सिम इतना रिचार्ज महंगा आया, सोचिए 6 महीना फ्री, आराम से बात करिएगा भैया। तो एक बार पुनः मुलायम नहर वाले चोर से सामने उनके अखिलेश फुल टॉस गेंद, गेंद को उठाकर खेला, जब तक की गेंद को फील्ड करे बजरंगी भाईजान। तो हम बता दें स्वास्तिक पैथोलॉजी के प्रोप्राइटर सतीश शर्मा जी के तरफ से इस मैच को सफल बनाने के लिए 1100 रुपए का नगद पुरस्कार आया है, और अखिलेश मौर्य छक्का मारते हैं तो हर छक्के पे 100 रुपए का पुरस्कार। उस बार अच्छी गेंद मुलायम की, और नौ बॉल, एम्पायर अपना जगह छोड़ देने समझ गया कुछ होने वाला है, नौ बॉल फ्री, नौ बॉल और फ्री। तो एम्पायर के द्वारा बेहतरीन एम्पायरिंग, एक बार पूरा फ्री हिट के सामने अरबी यादव, और फ्री हिट पे कोई फायदा नहीं। और मिट्टू सिंह बताते हुए 70,000 दर्शक इस जगह किसान इंटरमीडिएट कॉलेज में भरे हुए हैं, कई जगह लिमिट का स्टेडियम है, 70,000 लोग हो बैठ गए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा दर्शकों को कमांड करने में, कोई पेड़ से देख रहा है नॉर्थ साइड में, पेड़ पे भी कुछ दर्शक चढ़े हुए हैं। अगली गेंद, और ये संभवतः 6 रन होने चाहिए, और ये 6 रन, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट। और ये था एक मिनट प्लीज, जो छत पे चढ़े हुए हैं आप लोग कृपया ध्यान, और सोनू यादव, सोनू यादव इनाम इनके तरफ से 700 रुपया, सोनू यादव जी का 700 रुपया। छत पे जो लोग हैं विशेष ध्यान देंगे आप लोग। फिलहाल अगली गेंद मुलायम की, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन, जब तक की सत्यम सिंह फील्ड करे तो मैं बता दूं रवि यादव को इनाम मिल चुका है 700, सोनू यादव के तरफ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कमेटी के सदस्य होनहार सदस्य अंकित मदेसिया जी को, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित मदेसिया जी का। इस तरह से ओवर की समाप्ति, स्कोर और ओवर और रन बताएंगे, 9 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है इस समय मिशन पूरा का 86 और शेष 18 के दम मिशन पूरा कितना रन बना पाती है। और ये जो बल्ला है रवि लंबे लंबे हिट कर रहे हैं वो आउट लुकमैन स्पीयर, जिसके प्रोप्राइटर मिंटू सिंह जी हैं, बल्ला वहां गया है। रवि यादव का निजी स्कोर है, 69 रनों पे बल्लेबाजी कर रहा है रवि यादव, बेहतरीन बल्लेबाजी रवि यादव के द्वारा। तो अब संभवतः प्रतिक्रिया है रोड वाले छोर से, अगली गेंद प्रतीक की, इस बार गेंद प्रतीक की नीचे आ रही है तो इस बाहर का बल्लेबाज थोड़ा ध्यान देंगे तभी रन बन पाएंगे अपने हेलीकॉप्टर को। और आउट, इंपायर के द्वारा तो बेहतरीन आउट इस समय रवि यादव। और ये रवि यादव आउट होकर जा रहे हैं, तो इस तरह से आउट हुए रवि यादव, अब उनका स्थान लेने आ रहा है तबरेज। और जो विजेता टीम होगी हल्दीराम का ये गिफ्ट पैक आप लोग देख सकते हैं, हल्दीराम की कंपनी कोलकाता से प्रोवाइड कराई है मथौली कप में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रतीक की सबर में बेहतरीन बल्लेबाज रवि यादव को आउट करते हुए प्रतीक एक बार पुनः रोड वाले छोर से, प्रतीक की अगली गेंद सामने आता
अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बॉलिंग, इस समय रनों पे अंकुश लगाती हुई सिकता की टीम। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी प्रतीक के द्वारा। कितना ओवर हो गया? ओवर 10वां ओवर चल रहा है। तो स्कोर है 86 रनों पे रुका हुआ। तो इस ओवर में प्रतीक बेहतरीन गेंदबाजी प्रतीक के द्वारा। एक बार पुनः अगली गेंद नीचे रहते हुए गेंद तबरेज हिट लगाने की कोशिश। प्रतीक है, प्रतीक गोरखपुर से चलकर आते हैं, तो गोरखपुर के टॉप वन गेंदबाज है प्रतीक जो बॉलिंग कर रहा है इस समय। एक बार पुनः पहले एक बार प्रतीक फिर से नीचे रहती हुई गेंद। तो अगर जो एक इनिंग समाप्त होता है तो दोनों प्लेयर एक बार फिर से लाइनअप हो जाएंगे। एक बार पुनः प्रतीक किसकी मोबाइल है भैया? कम 50 फोन आ गया। प्रतीक एक बार पुनः रोड वाले छोर से सामने है अखिलेश। अगली गेंद और गजब की गेंद होल में गिरती है। बेहतरीन गेंदबाजी प्रतीक के द्वारा और छठी की हार। इस मैच को 1800 लोग लाइव देख रहे हैं जफर एंजेड पे। पट्टू बाबा की टीम भाई शिवदास सिंह भोला यादव कमेंट आया है। प्रतीक महाकाल एक्सप्रेस एबी पांडे का कमेंट आया है। अभिषेक वर्मा प्रतीक की बाल 180 डिग्री सबर के समाप्ति के बाद भी सर पूरा टीम का 180 डिग्री। अभिषेक बाबू 180 डिग्री सीधा होता है तो उसमें कहां डिग्री बन पंकज सीधा गेंद जा रही है। 10 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 88 मात्र। राहुल मैक्स शायद नहीं आए हैं, कोई कमेंट किया है। हाँ राहुल मैक्स नहीं खेल रहे हैं इस मैच। लल्ला कमेंट्री बॉक्स में आप लोग नीचे जो हल्ला मत कीजिए लल्ला। पंकज एक बार फिर नहर वाले छोर से और ये संभवतः कैच होना चाहिए और ये कैच इस बार बजरंगी ने पकड़ लिया है कैच और शानदार कैच पकड़ते हुए बजरंगी भाई जान। तो पुनः पंकज इस समय अखिलेश मौर्या को अपनी जाल में फंसाते हुए तो इस मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाया अखिलेश मौर्या। अब आ रहा है बल्लेबाजी के लिए भारत। बल्लेबाजी कर रहे हैं भारत। हम बता दें इस मैच को सफल बनाने के लिए वेदांत फूड प्रोडक्ट के तरफ से 5100 रुपए का पुरस्कार, टेंपू जायसवाल के तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार, पूर्व ग्राम प्रधान मथौली बाजार बबू तिवारी जी के तरफ से 5100 रुपए का पुरस्कार और ये 4 रन संभवतः। तो गेंद दे दीजिएगा आप लोग दर्शक महोदय और इस मैच को सफल बनाने के लिए हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता जी और डॉक्टर विनयमल जी की तरफ से 1500 रुपए का पुरस्कार, आनंद भैया की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार, अदालत भैया की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सीनियर भैया लोग को। तो एक बार पुनः रन आउट का चांस था तबरेज सुरक्षित अपने क्रीज और जो रामकोला विधानसभा के विधायक थे वो उद्घाटन किए थे उनके तरफ से 15000 रुपए का योगदान आया था तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी। और ये जो कप विनर कप
जो वे विनर कप है वो मोतीचक ब्लॉक प्रमुख के तरफ से है, अर्चना प्रदीप सिंह जी के तरफ से ये विनर की ट्रॉफी जो सामने दिख रही है उनके तरफ से है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना प्रदीप सिंह जी को, वो भी आई थी सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल के मुकाबले में उद्घाटन की थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्टाइल इनकी काफी लोकप्रिय हो गई है मथौली कप में, जो देवरिया के एम्पायर हैं। तो अरविंद भैया, सुधाकर भैया, सत्यप्रकाश चार, टेम्पू जायसवाल जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यापारी भाइयों को। सुनील मधेसिया जी की तरफ से आज मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। जायसवाल दुपट्टा घर की तरफ से मैन ऑफ द मैच, आराध्या गवर्नमेंट्स की तरफ से भी इनाम है। अब अल्लाहवादी आए हैं आकाश राव, बसीर भाई की तरफ से भी इनाम है, और आशुतोष मधेसिया, मधेसिया जी इलेक्ट्रॉनिक के प्रोप्राइटर, उनके तरफ से कूलर का इनाम है। लक्ष्मीपुर ग्राम प्रधान जनाब अकमल हुसैन सिद्दीकी के तरफ से वॉशिंग मशीन का इनाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और बेहतरीन बल्लेबाजी, भरत के बल्ले से निकली गोला वाला शॉट, गोली लगा चौका। ये जो स्कोर साइकिल आई है वो ब्रजेश कुमार पांडे जिसको करके हमारे बड़े भाई सोनू पांडे और उनके बड़े भैया गुड्डू पांडे जी के द्वारा दिया गया है, सात गियर वाली साइकिल। स्कोर इस समय है बिशनपुरा का 11 ओवर के समाप्ति के बाद। इस साइकिल की खासियत है कि आप अपने फोर व्हीलर में साइकिल को फोल्ड करके ले जा सकते हैं। इसकी कीमत 20,000 रुपए है। आखिरी ओवर देखना है बिशनपुरा के बल्लेबाज कितना रन छुपा पाते हैं। मात्र स्कोर है 11 ओवर के समाप्ति के बाद 98, तो कम से कम इस ओवर को बड़ा ओवर बनाना होगा। आकाश राव अनुभवी प्लेयर, इस समय शानदार ऑलराउंडर टीम बिशनपुरा का इसमें बल्लेबाजी कर रहा है। उनके सामने एक बेहतरीन गेंदबाज डिंडा रोड वाले छोर से, सुट्टा की टीम बेहतरीन टीम है, मानी जानी टीम, वही बिशनपुरा की शानदार टीम है। तो लास्ट ओवरों में देखना है कितना रन बना पाती है। ये ओवर समाप्त होने के बाद सिक्टा टीम कैप्टन और बिशनपुरा टीम कैप्टन लाइनअप हो जाएंगे। एक बार डिंडा रोड वाले छोर से, नीचे रहती हुई गेंद और मिलेगा एक रन। तो काफी नमी है पिच में, कहीं ना कहीं ये स्कोर अच्छा स्कोर कहा जाएगा। अगर अच्छी बॉलिंग करती है टीम बिशनपुरा तो निश्चित तौर से मैच में कुछ अच्छा पकड़ बना पाती है। अगर अच्छी बॉलिंग उनके पास है, क्योंकि पिच में जो नमी है उसका फायदा गेंदबाजों को बहुत मिलता है। तो पूना कुछ फील्ड में तब्दीली करते हुए सिक्टा की टीम, एक बार रोड वाले छोर से डिंडा और वाइट, एंपायर का डिसीजन वाइट। तो इस तरह से बिशनपुरा टीम का स्कोर हो चुका है 100 रन पूरा। प्रतीक अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं। फिलहाल अगली गेंद और भरत के बल्ले से एक बेहतरीन शॉट, बेहतरीन चौका। दे दीजिए आप मिनट के लिए, 100 रन पूरा हो गया संभवतः। गेंद दे दे दर्शक, गेंद दे दे वहां से, गेंद दे दीजिए दर्शक, दर्शक गेंद दे दे मेरे दादा धोरे नाथ जी बाबू, गेंद ले ले इंपायर, गेंद ले ले। हेलो बिट्टू गेंदार आ गया, पहले देखिएगा। तो टीम बिशनपुरा का मर्तबा स्कोर 104 रनों के पहुंच चुकी है बिशनपुरा, और अभी भी
आगे देखे से खचाखच दर्शकों से भरा हुआ किसान स्टेडियम डंडा पर बोला डंडा अगली गेंद डंडा की डंडा फंसाते हुए अपनी जाल में एक विकेट और गिरेगा भारत का। ये डंडा जो गोरखपुर से चलकर आते हैं सचिन गोरखपुर से आते हैं प्रतीक तीन गेंदबाज सॉरी उसमें हाँ दो गेंदबाज हैं एक बैट्समैन है बजरंगी भाईजान भी गोरखपुर से आते हैं लोग और प्रतीक भी गोरखपुर से आते हैं और पंकज पांडे दोहरिया से बिलोंग करते हैं। तो मुकेश अब आ रहा है बल्लेबाजी के लिए मुकेश तो इस ओवर में डंडा जो रवि यादव और डंडा के ओवर में काफी डंडा महंगे साबित हुए थे अब तो बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ इस समय तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब अपना कीमती समय दिए वीरेंद्र गुप्ता जी और विनय मल जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग बनाने के लिए आप लोग बहुत तो मैं एक और बात बता दूं दर्शकों से अब तक की जो मिशन पूरा टीम ने छक्का मारा है सिर्फ और सिर्फ केवल रवि यादव सात छक्के लगे हैं और सातों छक्के रवि यादव के ही बल्ले से तो ये सबसे बड़ी बात है टीम के लिए अकेला रवि यादव ने कमाल कर दिया और कमाल के साथ साथ सारा पैसा सोनू यादव का भी ले लिए है और पुनः सामने है मुकेश अगली गेंद और बेहतरीन शॉट गेंद आ रही है बाउंड्री सीमा रेखा की तरफ गेंद के नीचे है सीमा बेहतरीन फील्डिंग तो बेहतरीन फील्डिंग शिवम के द्वारा शरीर है भारी भरकम लेकिन सुबह जरूर ये रनिंग करते हैं दौड़ते हैं स्कोर इस समय बिशनपुरा का 107 रनों पे पहुंचता हुआ अभी भी सामने है मुकेश उनके सामने है डंडा डंडा चलेंगे रोड वाले छोर से लाइनअप हो जाए दोनों टीम के प्लेयर लाइनअप हो जाए टीम भी सर पूरा टीम सिकता हेलो और हमारे बड़े भाई कप्तानगंज के ब्लॉक प्रमुख विशाल भैया डॉक्टर शेषमणि गौड़ जी और आकाश कुंवर जी आकाश कुंवर हिंदू सॉरी भाजपा युवा मोर्चा जिला महामंत्री आप ज्ञानचंद कुंवर तहसील अध्यक्ष हिंदू वाहिनी तो आप लोग आ जाइए हेलो भांगड़ा वाले आ चुके हो भांगड़ा वाले आ चुके हो तो एक बार कमेंट आ जाए इस समय मुख्य अतिथि बड़े भाई श्री विशाल सिंह जी डॉक्टर शेषमणि गौर जी और तहसील अध्यक्ष ज्ञानचंद कुंवर जी आकाश कुंवर तो हमारे बड़े भैया मनीष जायसवाल आकाश भैया आप भी लोग आ जाइए तो इस समय मुख्य अतिथि प्लेयरों से पर्चे प्राप्त करेंगे और हम बता दें कप्तानगंज के ब्लॉक प्रमुख और माननीय परम पूज्य महाराज जी के प्रिय निजी सचिव और अनंत शिष्य विशाल भैया बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए तो बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भैया पहले बैलून को हवा में उड़ाएंगे थोड़ा लेट होने के वजह से भाई अभी कुछ देर में लाइव आते हैं ठीक है